कि हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी आपके सामने मेगा सिटी की लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए हैं। इस वक्त भी हमारा यही मकसद है कि हम नवंबर की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हों और आपको बताएं कि इस वक्त मेगा सिटी की क्या अपडेट चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अटैच हैं और एंड यूज़र्स भी हमारे साथ अटैच हैं, तो हम उनके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली उनको तसल्ली रहेगी कि अभी तक इस प्रोजेक्ट की इतनी अपडेट चल रही है। इसी सिलसिले में आज भी हमारे साथ मौजूद है सीईओ ऑफ हेक्सा डेवलपर्स मिस्टर राजा आसिफ महमूद। आइए बात करते हैं सीईओ ऑफ हेक्सा डेवलपर्स मिस्टर राजा आसिफ महमूद से और जानते हैं उनसे मेगा सिटी की अपडेट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे कि हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी समथिंग मेगा के अंदर मेगा सिटी की लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते रहे हैं, तो अभी क्या उसकी लेटेस्ट अपडेट चल रही है? मेगा सिटी की लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि पहले जैसे हमने आपको पिछले प्रोग्राम में उसकी बताई थी कि इसके अपना लॉन्च हो चुकी है, प्राइस उसकी आ चुकी थी, उसके बाद हमने इसकी फाइल्स वगैरह दी थी। अभी ये है कि हमारी फाइल की सबमिशन का जो टाइम है वो 15 नवंबर लास्ट डेट है। 15 नवंबर तक हमारे पास जितनी फाइल सबमिशन हो जाएंगी उन सारी फाइल पे हम लोग प्लॉट अलॉट करेंगे। मतलब हम जो सेल कर रहे हैं वो 9 के फाइल सेल कर रहे हैं, हम लोग प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। मतलब 15 नवंबर तक हमारे पास जितने प्लॉट्स की फाइल सबमिशन होगी वो सब के हम प्लॉट अलॉट करेंगे और उनकी जो बेल्टिंग होगी वो मंथ ऑफ दिसंबर में होगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स जितने भी हैं जो मेगा सिटी में इंटरेस्ट हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे हैं इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी फाइल परचेज़ करनी है 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला, और एक इसमें आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने 3.5 मरला और 2 कनाल के भी प्लॉट्स लिमिटेड से प्लॉट्स निकाले हैं। और 2 कनाल की हमारी हाइट की एक लोकेशन है, उस पर हमने लिमिटेड से टोटल 50 प्लॉट्स लिए हैं और उस पर भी ये सबमिशन है। मतलब हम फाइल नहीं भेज रहे, आप आए आके अपना प्लॉट की डाउन पेमेंट हमें जमा करवाएं और डाउन पेमेंट के बाद आप अपना जो है इंस्टॉलमेंट देते हैं, उसके बाद आपकी प्लॉट अलॉट हो जाएगा आपको दिसंबर में बेल्टिंग में और उसके बाद आप अपनी इंस्टॉलमेंट दें। और इसी तरह जो 3.5 मरले का है उसमें भी सेम यही है कि आप आके अपना फॉर्म जमा करवाएं और उसके बाद आप बेल्टिंग में शामिल हो जाएं और उसके बाद आपके अपने जो है ना दिसंबर में आपको प्लॉट अलॉट हो जाएगा। ठीक है सर। तो अभी अभी जो रिसेंटली इनकी कॉन्फ्रेंस है, हम अपने व्यूअर्स को पिक्चर्स भी दिखाएंगे, जो अभी इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बड़े लिमिटेड से लोग थे और निजी सा ओकेजन था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और प्राइजेस भी बताएं साथ में। डेफिनेटली वो जो हमारी एक अभी कुछ रिसेंटली कुछ एक वीक पहले जो हमारी एक सेल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमारे अथोराइज डीलर थे इन्वॉल्व थे, इसमें मतलब कोई और वो नहीं थे, जो अथोराइज डीलर थे 100 के करीब हमारे अथोराइज डीलर थे। हमारा ये है कि कंपनी की जो पॉलिसीज है, जैसे हम आपको पहले भी बताते थे कि हमारी पॉलिसीज मार्केट से पैसा इकट्ठा करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ये है कि जेन्युइन क्लाइंट को जेन्युइन चीज़ दी जाए। मतलब हम लोगों ने प्लॉट इतने सेल किए जितने हमारे पास ज़मीन इस वक्त मौजूद है, इसलिए हम लोग आपको बार बार अपने उसमें बता रहे हैं कि हम लोग फाइल सेल नहीं कर रहे, हम लोग प्लॉट सेल कर रहे हैं। और 100 के करीब हमारे जो इसमें थे जो हमारे सेल्स पार्टनर्स हैं कंपनी के मेगा सिटी के, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे वहाँ शामिल थे। वहाँ पर हमारे जो सीईओ वगैरह हैं कंपनी के, जो ऑनर्स हैं, बशर हयात साहब हैं, राजा जाय साहब हैं, तैयब शेख तैयब साहब हैं, हम पिक्चर्स भी बल्कि शेयर करेंगे, कैसर साहब हैं, चौधरी कैसर साहब हैं, वो सारे शामिल थे, उन सारे ने अपने व्यूज़ दिए थे। और हमारे जो हैं जो मेगा सिटी के डेवलपर्स हैं शायद इनको कंपनी, वो भी उसमें मौजूद थी और उनसे भी बहुत से क्वेश्चन किए गए और उनसे ये भी पूछा गया कि आप जो हमारा मेन बुलेवार्ड है, इस पर हम लोग पहले दिन से आप ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा मेन बुलेवार्ड है वो 250 फुट का मेन बुलेवार्ड है और उनसे यही बात हो रही थी कि आप हमें कब तक वो देंगे। तो इवन कि उनकी जो इक्विपमेंट है वो मंथ ऑफ नवंबर के एंड में है, मंथ ऑफ नवंबर के एंड तक हम उस पर इंशाल्लाह लुक वगैरह डाल देंगे। बाकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इवन के वहाँ पर मस्जिद कभी हम लोग बहुत जल्दी इफ्ताह करने लगे हैं, पार्क कभी हम लोग बहुत जल्दी इफ्ताह करने लगे हैं। तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें जो है आती जा रही हैं। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, अभी भी मेरी वही बात है कि जेन्युइन लोगों के लिए ये सोसाइटी है और बहुत अच्छी सोसाइटी है। छोटी सी सोसाइटी हम बना रहे हैं पहले फेज़ में जो फैसिलिटी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दे रहे हैं। और काम के लिहाज से किसी को भी शक है वो जाके आता ग्राउंड हमारी साइट पे जाए और ये देखे कि हमारी कंपनी ने इसको लॉन्च कब की है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तेज़ी से दिन रात हमारी सोसाइटी में काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3.5 मरले के जो हम लोगों ने एक
प्लॉट अपने शुरू किए हैं 3.5 मिले के जो प्लॉट है उसकी टोटल प्राइस है 12,90,000 रुपीज़ और उसकी डाउन पेमेंट है 2,25,000 रुपये और उसकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो है 16,500 रुपीज़, यानी उसकी 4.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स है और बेल्टिंग के टाइम आपने उसके 174 जो है 1,76,000 रुपये आपने बेल्टिंग के टाइम देने हैं, तो बहुत अच्छी वो है, लो लो कॉस्ट के लिए है और हाई उसका एंड है कि 3.5 मरले का मतलब आपको वहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा जिसकी मतलब कोई और हिडन चार्जेस नहीं है, सीधे सीधे वो है। इसके अलावा लैंड ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड है वो डिपेंड करता है कि उसके मुताबिक क्या डाली जाएगी। इसी तरह जो हमारे 2 कनाल के लिमिटेड से प्लॉट हैं उनकी टोटल कीमत है 1,34,90,000 रुपये और उसकी डाउन पेमेंट है 15,90,000 रुपये और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 2,25,000 रुपये और एवरी 6 मंथ के बाद उसकी 4,08,000 रुपये है और बेल्टिंग के टाइम आपने 10% देने हैं 13,49,000 रुपये आपने बेल्टिंग टाइम देने हैं। अच्छा सर, जो अभी रिसेंट इवेंट इनका आने लगा है मेगा सिटी का, वहाँ पे जो हॉर्स राइडिंग का जो आ रहा है तो उसमें आप गुजर खान के लोगों को क्या कहेंगे? हॉर्स राइडिंग का हमारा नहीं आ रहा, वो नेजाबाजी का इवेंट आने लगा है, नेजाबाजी का इवेंट आने लगा है, लेकिन अभी जो जिस तरह मतलब जो हालात हैं जो मुल्क के हालात की चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने उसको पोस्टपोन किया हुआ है और जैसे अल्लाह करता है हालात थोड़े हमारे मुल्क के ठीक होते हैं तो जितने भी गुजर खान के लोग हैं हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो सब इन्वाइटेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस पर सारे इन्वाइट होंगे, बिल्कुल ओपन वो है और उसमें आके हम लोग बताना चाहते हैं। वैसे भी देखें हमने पहले दिन से जो बात करते हैं जो हमारे जेन्युइन लोग हैं जो जेन्युइन खरीदार हैं जिनको हम लोग कहते हैं जिन्होंने घर बनाने हैं और उनको एक ऐसी अच्छी स्कीम चाहिए, हाउसिंग स्कीम चाहिए जिसमें ऐसे बिल्डर्स हों कि जिनका मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं हो, जिनका मकसद डिलीवर करना हो, तो उनके लिए सबसे अच्छी सोसाइटी। और उनके लिए मैं पहले भी कहता हूँ, अभी दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ कि आप पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर हम लोग के पास लिमिटेड प्लॉट है और साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि वो आके सबसे पहले हमारी लोकेशन देखें, हमारा काम देखें, हमारे पास लैंड जो है वो चीज़ चेक करें, फिर उसके बाद वो फैसला खुद कर लें कि जो हमारे से पहले मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत सोसाइटी लॉन्च हुई हुई हैं तो लोग कैसे काम कर रहे हैं, हमारा तरीकाकार देख लें और इससे पहले लोग जो काम कर रहे हैं उनका तरीकाकार देख लें तो उनको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा कि यार ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। और साथ साथ हम अपनी साइट के भी आपको फुटेजेस जैसे कि दिखा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर हमारी ब्रांडिंग हो चुकी है और वो जितनी भी है फेंस वगैरह लग चुकी है कि लोगों को पता चल रहा है, गुजरने वाले लोगों को भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़े बुलेवार्ड के साथ सोसाइटी लॉन्च हो रही है। बिल्कुल, वहाँ पे जैसे अब हम लोगों ने अपने होर्डिंग बोर्ड पे भी मेंशन करना शुरू कर दिया, हम लोग वहाँ पे एक ताजमहल भी जो है ना वो भी वो करेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब वक्त से पहले मतलब हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों को तो अनाउंस करें लेकिन बहुत सी चीज़ें भी हम लोग जना थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि आपको बाद में हम लोग बताएंगे कि इसमें हम लोग लेके क्या आ रहे हैं। हॉर्स राइडिंग क्लब बन रहा है, सिनेमा बन रहा है, मस्जिद बन रही है, पार्क बन रहा है, शॉपिंग कम्प्लेक्स बन रहे हैं, बहुत बड़े कमर्शियल इसमें लॉन्च हो रहे हैं, होटल चेन्स आ रही हैं, बहुत ब्रांड इसमें आ रहे हैं। जैसे लास्ट इंटरव्यू में मैंने हमजा से भी ये बात पूछी थी कि बीइंग रेजिडेंट मतलब आप गुजर खान से बिलोंग करते हैं तो आप किस चीज़ में लैक कर रहे थे, आपको ये क्या लगता है कि मतलब इस चीज़ में आप लैक कर रहे थे, तो उसने यही बात बोली थी कि हमारे बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सर, पहले भी बताई बात कि हमारे गुजर खान के लोगों के लिए गुजर खान के, क्योंकि बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो कि ओवरसीज़ हैं, ठीक है, जब वो ओवरसीज़ के लोग जब अपने गांव में आते हैं अपने बच्चों को लेके आते हैं तो बच्चों को उनको जो वहाँ का इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि डेफिनेटली गाँव की इन्वायरमेंट है, गाँव की इन्वायरमेंट होती है, तो अब जैसे कि उनके लिए जो है ना तो वो ज़्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि यार वो बैरिया की तरफ या DHA की तरफ की मूव करें, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह के हवाले से या रोड्स के हवाले से या वो पार्क के हवाले से यहाँ मूव करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि उनके शहर गुजर खान में एक बहुत अच्छी सोसाइटी लॉन्च हो चुकी है, इसमें वो आएँ अपना प्लॉट बुक करें और प्लॉट बुक करने के बाद अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवाएं। और उसमें ये भी है कि सोसाइटी ने हर किस्म का प्लॉट इसमें लॉन्च कर दिया, हमने 3.5 मरले 5 मरले 7 मरले 3.5 मरले तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है जी, बिल्कुल 10 मरले का प्लॉट है, फिर इसमें कनाल का, उसमें उनके 2 कनाल के प्लॉट भी जो है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, इस चांस को बिल्कुल मिस ना करें। और यही बात है कि आप वही है कि आप इस चीज़ को वो करेंगे, मिस करेंगे, मतलब हम तो देखें पहले दिन से इस चीज़ को बता रहे हैं कि जिस बंदे ने करना है उस चीज़ को मिस करेगा कि यार एक टाइम था जिसमें हम लोग कहते थे कि आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अपना प्लॉट बुक कर लें, और वो होता है हम लोग ये होता है कि उस टाइम के ऊपर डिसीजन नहीं करते, बाद में हम कहते हैं कि नहीं यार वो चीज़ थी हमने उस पर लिया नहीं, तो इसलिए मैं वही बात आ जाती है ना कि हम जैसे अगर हम सोचें कि हम आफ्टर 5 ईयर्स अपनी सक्सेस कहाँ देखते हैं, बिल्कुल, तो आफ्टर 5 ईयर्स लोगों को खुद पता चलेगा कि यही 3.5 मरला
जो आपको आज 12-13 लाख रुपए में मिल रहा है, इसी की वैल्यू आप समझे तकरीबन इसकी वैल्यू जो है डबल होगी। लेकिन मुझे इसमें खुशी की होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कुछ मतलब क्लाइंट्स हैं ऐसे, और बड़े मतलब क्लाइंट्स हैं जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, मतलब जो हम लोगों ने फाइल की सबमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाना शुरू की हुई है, तो उसमें हमारे पास जेन्युइन क्लाइंट है, मतलब जिन लोगों ने घर बना लिया और उनके वो ख्वाहिश है। बल्कि इवन कैसे कुछ क्लाइंट हैं कि जिनकी जब मैंने अपने प्लॉट्स की बुकिंग करवाई, उनकी फाइल जब सबमिशन करवाई, तो उन्होंने कहा सर आप कमिटमेंट करें कि एज अ बिल्डर आप हमें वहाँ घर भी बना के देंगे। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग क्योंकि डेफिनेटली हमारी अपनी सोसाइटी है, हमारे अपने लोग हैं, अपने हमारे सारा कुछ है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह एज अ बिल्डर भी हम लोग वहाँ पर काम करेंगे और हम लोग वहाँ पर इंशाल्लाह जैसे हमें पोजीशन मिलेगी तो हम घर भी बनाएंगे। वैसे भी हमारा प्लान यही है कि इंशाल्लाह हम लोग अपने भी वहाँ पर घर बना के और उनको सेल करेंगे। साथ में हमें ये भी बताएं कि इस फाइल की सबमिशन की लास्ट डेट क्या है? इस फाइल की सबमिशन की जो लास्ट डेट है कंपनी की तरफ से है वो तो है 15 नवंबर तक, लेकिन हम लोग अपने क्लाइंट को ये कह रहे हैं कि आप 10 नवंबर तक तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें जमा करवा दें ताकि हम इसकी 10 नवंबर तक अपनी फाइल की सबमिशन करवाएं और दिसंबर के मंथ में हम आपको प्लॉट अलॉट करें। क्योंकि जब आपको हमारा मैप आ जाएगा, आपको प्लॉट अलॉट हो जाएंगे, तो आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि किस एरिया में किस स्ट्रीट में आपके प्लॉट निकले। और मैप कब तक एक्सपेक्टेड है? डेफिनेटली जब देखें पहले मरले में तो हमारी बेल्टिंग होगी, बेल्टिंग होने के बाद हमें इसमें प्लॉट्स वगैरह लगेंगे, सारी चीज़ें आएंगी, उसके बाद इसका मैप भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। इसीलिए मैं फिर दोबारा आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है अपनी फाइल को सबमिशन करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइल तो हमारे जो हैं सेल्स पार्टनर उन सब के ऑफिस वगैरह में सारी पहुंच चुकी है, लेकिन जो उसकी वो हो रही है सबमिशन है वो थोड़ी सी स्लो है, तो इसलिए हम लोग जितनी जल्दी इसकी सबमिशन करवाएंगे इतनी जल्दी हम अपने क्लाइंट को प्लॉट दे सकेंगे। ठीक है सर, तो व्यूअर्स आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि अभी मैं सर से पूछने वाली हूँ। जैसे कि अभी सर ने जिक्र किया है कि ज़्यारा बिल्डर्स के थ्रू हम उनको घर भी बना के लोगों को देंगे, क्योंकि लोग ऑब्वियसली पूछते हैं, ज़्यादा डेकोर के थ्रू डेकोरेशन भी हम लोग करते हैं। तो बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सर से ये पूछेंगे कि सर आप जो है वो लोगों को इंस्टॉलमेंट पे घर भी बना के देंगे या कोई कमर्शियल भी आप लॉन्च करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा है हमारा प्लान है, कमर्शियल का भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम लोग वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट में आएंगे, क्योंकि जैसे हमारी कंपनी है हेक्सा डेवलपर्स है, हेक्सा डेवलपर ही का एक हमारा है सब कंपनी है जो कि ज़्यादा बिल्डर्स के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग ये है कि घर भी बना के देंगे और यही प्लान है कि हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी में भी आएंगे, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लोगों को शॉप्स इसी तरह अपार्टमेंट्स वगैरह भी देंगे, और इसके अलावा हम लोग इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर का भी प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर आप नेक्स्ट मंथ में या कुछ टाइम में मैं आपको उसकी सारी अभी वर्किंग जारी है हम लोग 5 मरले के घर, 7 मरले के, 10 मरले के कनाल के घर बना के देंगे और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बना के देंगे, वो पूरा प्लान वगैरह भी इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको इसके बारे में भी एक खुशखबरी सुनाएंगे कि ऐसा अगर कोई लोग अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो टाइम फ्रेम, वो टाइम पीरियड, उनको डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, उनको इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी, तो वो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी हेक्सा डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल हेक्सा डेवलपर के प्लेटफॉर्म से आएंगे, और इंशाल्लाह ज्यारा बिल्डर जो कि एक बैरियर टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह एक जाना पहचाना नाम है जिसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे घर भी बनाए हैं, कमर्शियल भी बहुत बनाए हैं, तो वो सर्विसेज आपको वहाँ पे मिलेगी। अच्छा इसका भी मैं आपको बताऊँ कि मेरा इसमें कोई प्लान नहीं था, लेकिन जिन क्लाइंट्स को मैंने फाइल्स दी हैं तो वहाँ से मुझे उनको कह के नहीं सर घर आपने आपको बनाना है, तो मैंने कहा अभी तो मैं इस बारे में सोच नहीं रहा, तो बहरहाल जब उनसे डिस्कशन हुई तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम इसके ऊपर ये सर्विस भी क्योंकि हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं बैरिया में तो क्यों ना हम लोग मेगा, क्योंकि जितने लोगों ने आपसे यहाँ पे घर बनवाए हैं वो आप पे ही ट्रस्ट करते हैं जी, और आगे मतलब जैसे पहले भी हम लोग अपनी वीडियोस में बताते रहे हैं लोगों को कि हेक्सा डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म में ज़्यारा बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से लोगों ने पहले आप प्लॉट दिया करते थे, फिर उसके बाद लोगों ने खुद कहा कि हमें घर कंस्ट्रक्ट करके दें। तो सर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डेकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको वीडियो वो दिखाएंगे और ताकि उनको पता चल सके, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डेकोर का जब बताया था कि हम आपको विज़िट कराएंगे, बताएंगे कि आप किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ क्या कर सकते हैं। अभी हम मेगा सिटी के ऊपर स्टिक रहते हैं, मेगा सिटी के लोगों को भी अब पता चल गया है कि हम उनको खुशखबरी जल्दी देने वाले हैं कि हम वहाँ पे कमर्शियल भी लॉन्च करेंगे और हम जो है वो इंस्टॉलमेंट पे घर बना के भी देंगे। तो ये बहुत मेगा अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो हमारे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं वो तो हैं ही हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसमें हम आपको डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें बताएंगे और मेगा सिटी की भी लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।